Hello children, today we will be studying lesson number 11 from the English section of your Bloom book, and the name of the chapter is The Tiger and the Mosquito. Ek baagh aur ek machchar, iske bare mein hum ek kahani padhne ja rahe hain. A tiger was dozing under a tree. Dozing is a new word for you. Please underline this word. Dozing means oong raha tha, neend aa rahi thi usko, so raha tha. A tiger was dozing under a tree. Ek jo baagh hai ya sher hai, wo ped ke niche neend usko aa rahi thi, to wo oong raha tha. A mosquito came buzzing by, zzzz karta hua ek mosquito aaya, machchar aaya. The tiger said, hey mosquito, go away. तो बाघ ने उसको बोला, ए मॉस्किटो, मच्छर, चले जाओ यहाँ से. द मॉस्किटो सेड, व्हाई शुड आई गो अवे. तो मच्छर ने क्या बोला, मैं क्यों जाऊं. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता. अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना. मैं तुमसे नहीं डरता. द टाइगर वॉज एंग्री. अब टाइगर को गुस्सा आ गया. एंग्री मीन्स गुस्सा आना, नाराज होना. He hit out with his paw. उसने उसको अपने पंजे से हिट करने की, मारने की कोशिश की. The mosquito flew off. और मच्छर जो है वो उड़ गया. The paw stuck his own cheeks. उसका जो पंजा है वो उसके अपने ही cheeks पे, अपने ही गाल पर लग गया. The blow scraped his cheek. It began to bleed. Blow मतलब इतनी जोर से उसने पंजा मच्छर को मारने के लिए उठाया था कि उसका चीक ही स्क्रैप मतलब छिल जाना. उसका चीक, उसके गाल छिल गए. It began to bleed और उसमें से खून आने लगा. स्क्रैप मतलब छिल जाना, ठीक है. The mosquito buzzed away. Mosquito zzz करता हुआ उड़ गया. The tiger struck with his other paw. अब जो tiger है, जो बाघ है, वो उसने अपना दूसरा पंजा उठाया. The mosquito flew off. और इस बार भी मच्छर बच गया, वो उड़ गया. This time too he hit himself. और इस बार भी उसका पंजा उसके ही गाल पर लगा. The tiger was helpless. अब टाइगर बहुत असहाय महसूस कर रहा था, helpless महसूस कर रहा था. The mosquito continued to buzz. और mosquito वहाँ उड़ता ही रहा, buzz करता रहा. The tiger got up and quietly walked away. अब क्योंकि टाइगर को तो सोना था, बस वो बेचारा helpless हो गया, तो चुपचाप उठा और शांति से वहाँ से चला गया. द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम. मॉस्किटो ने जब बोला, उससे क्या बोला, जैसे ही वो उठ के गया तो उससे बोला, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे. उसने बोला, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. हर इंसान या हर सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने आप में महान होते हैं. कोई कुछ काम अच्छा करता है, कोई कुछ काम अच्छा करता है. अब यहाँ पे टाइगर को तो लग रहा था वो किंग ऑफ जंगल है, वो इतना बोल्ड है, वो इतना स्ट्रांग है, तो मच्छर को उससे डरना चाहिए. बट यहाँ पे मच्छर ने प्रूव कर दिया, दो वो छोटा है, बट फिर भी वो एक टाइगर को परेशान कर सकता है और भगा सकता है. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस स्टोरी. थैंक यू.